इस वीडियो में हम जनरेटर का फील्ड का कनेक्शन करना सिखाने वाले हैं। मोटका और पतरका दोनों का कनेक्शन हम करना सिखाएंगे कि फील्ड का जनरेटर में जो फील्ड होता है उस फील्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में जो है हम आपको ये पूरी अच्छी तरह से हम आपको कनेक्शन करना सिखाने वाले हैं। लेकिन कनेक्शन सीखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सकेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि आखिर इस फील्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक सिंगल वायर निकला हुआ है इसमें से, और यहाँ पे देखिए ये फील्ड में से दो वायर निकला हुआ है, और यहाँ पर भी जो है लास्ट में दो वायर निकला हुआ है, और इस फील्ड में भी जो है देखिए एक वायर ये और एक ये, दो वायर यहाँ भी है और दो वायर यहाँ भी है, इसमें भी जो दो यहाँ है और दो यहाँ है। तो आखिर इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे कि एक फील्ड में जो है दो दो वायर निकला हुआ है। तो देखिए दो दो वायर निकला हुआ है ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है इसको एक बनाना है। यहाँ देखिए एक बनाना है इसलिए कि यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर देखिए दो दो को जो है इकट्ठा किया हुआ है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे दो अलग अलग है, मगर फिर भी जो है हम इस दोनों को जो है इकट्ठा करेंगे। तो चलिए हम आपको कनेक्शन बताते हैं कि कनेक्शन कैसे करना है इसका। तो देखिए हम कनेक्शन करना यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए एक लूप पहले से जुड़ा हुआ है जो हम इस फील्ड को वाइंडिंग किए हैं। तो इसमें जो है पहले हम इसमें सिर्फ पतरका कॉइल को वाइंडिंग किया है और मोटा जो है पहले से था, तो इसमें जो है यह लूप लगा हुआ था। तो यहाँ से जो है हम स्टार्ट करेंगे तो इसका लास्ट वाला लूप ये है। तो हम यहाँ पे एक स्लिप पहनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे। चाहे तो हम इधर मुझे कनेक्शन करना स्टार्ट करें या चाहे तो हम इधर मुझे कनेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम जो है जिधर चाहे उधर कनेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है इसको इधर ही कनेक्शन करना होगा इसलिए कि यहाँ भी जो है लूप पहले से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस साइड में अगर चलेंगे तो यहाँ पे जो है इस लूप को हमें यहाँ लेना जाना होगा और इसे खोल देना होगा, तो इसलिए जो है हम इस तरफ इसका कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए हम यहाँ जो अलग अलग लूप है इस दोनों लूप को जो है हम इकट्ठा कर दिए हैं ऐसे, और उसके बाद क्या करेंगे हम इसको जो है यहाँ पर ऐसे करके बैठ देंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे हम एक और पिला से पकड़ेंगे ताकि जो है यह अच्छा से टाइट हो सके। देखिए हम इस पिला से पकड़ लिए हैं इसको और इससे जो है हम ऐठ रहे हैं यहाँ देखिए। तो इसको जो है आपको अच्छी से टाइट कर देना है ताकि यह जो है ज्वाइंट जो है ये लोड पर जो है छोड़ ना सके, नहीं तो अगर ये लूज रहेगा तो ज्वाइंट पर यहाँ से जो है स्पार्क करके यह जल सकता है। तो इसको जो है अच्छे से आपको टाइट कर देना है। तो यहाँ इसको हम टाइट कर दिए हैं, अब हम इसको क्या करेंगे ऐसे इसको हम मोड़ देंगे। ये देखिए इसको मोड़ दिए हैं, इसको फिर हम पिला से ऐसे सटा देंगे इसमें। अब यहाँ जो हम स्लिप पहनाए हुए थे इसको क्या करेंगे इस ज्वाइंट पर हम चढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे हम चढ़ा दिए, अब इसको जो है हम इस ऐसे करके यहाँ पे दाब देंगे। ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब हम अगला लूप कहाँ से लेंगे, तो अगला लूप जो है हम इस कॉइल को यहाँ से स्टार्टिंग से लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे इसका जो लास्ट लूप है इसका लास्ट लूप हमें यहाँ पे एक से तीन चलना है। जैसे यहाँ पे इसका स्टार्ट लूप है तो इसको छोड़ देंगे, और इसका जो हम जब लास्ट लिए है तो इसका ये शुरू लिए हैं और शुरू में हमें जोड़े हैं, तो इसका जो है लास्ट हमें क्या करना है इस कॉइल को लास्ट वाले लूप में हमें जोड़ देना है। देखिए हम स्लिप पहना दिए हैं, कि हम वीडियो बहुत ही आराम आराम से आपको दिखा रहे हैं ताकि आपका जो है समझ आपको आ सके।
अब क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइंट कर दिए, अब यहाँ जो फालतू बच गया इसको हम काट के हटा देंगे। फिर इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे इसको हम फिर मोड़ देंगे। यहाँ देखिए इसको ऐसे हम मोड़ दिए फिर से यहाँ। अब इस ज्वाइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये स्लिप चढ़ाए हुए है इस ज्वाइंट पे हम इस स्लिप को चढ़ा देंगे। ये थोड़ा उठ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे पिलास से इसको जाद देंगे ताकि स्लिप जो है आसानी से इस पर चढ़ सके। ये देखिए यहाँ हम स्लिप को चढ़ा दिए। अब इसको जो है ऐसे करके यहाँ पे फिर इसको जाद देना है। अब यहाँ पे दो लूप और बच गया, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। तो देखिए जैसे इसका स्टार्ट वाला लूप है तो इस कोयल का भी जो है यहाँ पे स्टार्ट वाला लूप है। आपको जो है हमेशा देखना है कि एक से तीन है, यानी एक से तीन चल रहा है, यानी कि एक जैसे मान लीजिए यहाँ से हम कनेक्शन स्टार्ट किए हैं तो यहाँ बीच में एक लूप छोड़ दिए हैं, इस लूप को ले लिए हैं। सेम उसी तरह से हम यहाँ से फिर दूसरा लूप लिए हैं तो इसको हम छोड़ दिए हैं, बगल वाले को हम आगे से लिए हैं। सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, इस लूप को यहाँ पे ज्वाइंट है तो ये छूट जाएगा और ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा आपस में। तो चलिए हम पहले इस दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं, उसके बाद हम फिर आपको पतरका का कनेक्शन करना बताएंगे। तो यहाँ पे मोटका के जो है देखिए सभी कनेक्शन मोटा वाले को कंप्लीट हो चुका है, अब हम पतले वालों को कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन हमें कैसे करना है, जैसे सेम इसका कनेक्शन किए थे मोटका को, सेम टू सेम जो है हमें पतले वाले कोयल को भी सेम टू सेम इसी तरह कनेक्शन करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग लूप है तो ये पतरके वाले में भी जो है हमें जहाँ से मोटका का स्टार्टिंग लूप निकला वहीं से हमें पतरका का भी स्टार्टिंग लूप जो है रखना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम लूप जोड़ना स्टार्ट किए थे, आगे मुझे कनेक्शन करना स्टार्ट किए थे मुटका में, तो पतरका में भी जो है हम यहीं से कनेक्शन करना आगे हुए स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले इसमें हम एक स्लिप लगाते हैं। देखिए हम स्लिप लगा दिए। अब क्या करेंगे, जैसे मुटका में देखिए यहाँ से जो है हम इस कॉइल के स्टार्ट में जोड़े थे तो पतरका में भी हम क्या करेंगे, इस कॉइल को ये यहाँ से लेके इसका स्टार्ट में हम जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम इसको जोड़ दिए, इसमें हम स्लिप पहना देंगे ऊपर से, तो एक लूप मेरा जो है कंप्लीट हो गया। तो हम अगला लूप कैसे जोड़ेंगे, तो अगला लूप देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगला लूप हम जोड़ेंगे। इसका जो है स्टार्ट का तो जुड़ा गया, अभी इसी कॉइल का जो है लास्ट वाला लूप यहाँ है, तो इसका लास्ट लूप और इस कॉइल का लास्ट लूप जो है दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जैसे हम आपको बताया है कि कनेक्शन जो है एक से तीन हमेशा होना चाहिए, तो एक से तीन हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका लास्ट लिए और इसका लास्ट, तो इस कॉइल का जो है यह स्टार्ट वाला छूट रहा है, तो एक से तीन जो है मेरा कनेक्शन यहाँ पे पुर जाएगा। तो स्लिप पहना करके इसको भी हम ऐसे जोड़ दे रहे हैं। ये देखिए इसको जोड़ दिए, अब यहाँ पे बच गया दो लूप, इसका स्टार्ट और इस कॉइल का स्टार्ट, तो दोनों को जो है हम आपस में फिर ऐसे जोड़ देंगे। इसको आपस में जोड़ने के बाद क्या हमें करना है वो भी हम आपको बताएंगे, आप वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए कनेक्शन जो है मेरा पूरा तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक चीज़ करना होता है, देखिए अब हमें करना इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए इस कॉइल से जो है दो लूप हमें देखने को मिलेगा, एक मोटा और एक पतला। देखिए यह एक पतला वाला है और यह एक मोटा वाला है, और इस कॉइल में भी जो है यहाँ पर एक मोटा वाला है और एक यहाँ पर पतला वाला है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें एक निशान लगाना होता है कि एक कॉइल का जो है कौन, दोनों मोटा और पतला वाला जो है कौन एक कॉइल से निकला हुआ है।
अगर मान लीजिए यह दोनों कॉइल का जो है ये लूप अगर आपस में एक्सचेंज हो जाता है, मान लीजिए एक्सचेंज हो जाता है, जैसे इसमें जो है इसका मोटा वाला और इसका जो है पतला वाला, अगर मान लीजिए कनेक्शन करते वक्त निगेटिव पॉजिटिव दोनों को उल्टा हो जाता है, तो यह जो है वोल्टेज नहीं बनाएगा, या वोल्टेज बन भी जाएगा तो लोड पे बैठ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इस कॉइल का जो है अगर पतला वाला पॉजिटिव है तो इसका मोटा वाला भी है पॉजिटिव होना चाहिए, और इसका पतला वाला हम निगेटिव में कनेक्ट करेंगे तो इसका मोटा वाला भी है जो है निगेटिव में कनेक्ट होना चाहिए। तो इसी के लिए जो है हमें इस दोनों में जो है एक निशान लगाना होता है कि कौन मोटे वाला है, ये कौन दोनों तार जो है यह एक कॉइल का है। तो जैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे तार एक बांध दिए हैं, तो इसी तरह से जो है हम क्या करेंगे मोटा वाला में भी जो है एक तार को बांध देंगे। देखिए यहाँ पे हम तार बांध दिए, सेम इसी तरह से जो है हम यहाँ पे तार को बांध देंगे ताकि जो है हमें कनेक्शन करने वक्त जो है सस्पिशन ना हो कि कौन जो है दोनों एक फील्ड से जो है कौन वायर दोनों निकला हुआ है निगेटिव पॉजिटिव के लिए। तो चलिए हम वीडियो को अब यहीं पे लास्ट ख़त्म करते हैं ताकि वीडियो जो है बड़ा ना हो सके, आपको कनेक्शन हम करना बता दिए। अब इसको बंद गया बांधना, तो बांधना जो बच गया तो इसका बांधने के लिए है कोई सीखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, या जो है कोई भी आदमी जो है इसे बांध सकता है। इसको हमें क्या करना होता है कि पतला वाला जो है इसे हमें ऊपर लाना होता है, यह जाएगा ऊपर वाले डायोड में दोनों, इसमें भी हम एक और लूप जोड़ के यहाँ करेंगे ऊपर में, और जैसे यह दोनों मोटा है तो यह दोनों जो है साइड वाले डायोड में आ जाएगा। ऐसे देखिए इस साइड या हम इस साइड दोनों तरफ से जो है किधर किधरों भी है जो है हम ये इसे ले सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को जो है अब यहीं पर ख़त्म करते हैं।